सर महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की राजनीति ऐसा लगता है कि इस बार और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रही है। शरद पवार ताल ठोक रहे हैं और महाराष्ट्र में जो एक प्लानिंग जिस ढंग से थी, शिंदे शिवसेना हो या अजीत पवार वाला मामला, वो एक तरह से बैकफायर कर गया। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में चुनाव है, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में झटका के बाद तो हम जगाव देख रहे हैं, उस पर भी यदि समय आया तो चर्चा करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र का ही झटका हुआ है जो बीजेपी 272 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। मनीष जी, महाराष्ट्र बड़ी रहस्यमय गुत्थी बन गई है, रहस्यमय पहेली बन गई है। और अब महाराष्ट्र का आज की तारीख में जो स्थिति है और जो उसका रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव में, जो भी आपने कहा, तो उससे तो ये लगता है कि भाजपा से वहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, हो चुकी। अब उस गलती को कैसे संभालेंगे, मुद्दा ये है। क्योंकि तो जो भी अजीत पवार को लाना था वो कोई फल नहीं दिया। अजीत पवार को संभवतः एक सीट मिली है और जो परिणाम मिला है बंबई के अंदर, आप 4 सीटें हारे हैं। तो ऐसी कोई भी उल्टी हवा नहीं बह रही थी, सिवाय इसके कि ये जो पापियों को इकट्ठा कर लिया था अपने साथ, जिसको सब लोग बड़े सहमत थे उस समय कि ये बड़ा कमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। अब उसको मनीष जी एक बड़ी दूर की कौड़ी समझ में आती है कि संभवतः शरद पवार ने, जिसको हम लोग समझ रहे थे कि शरद पवार को खत्म कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो नहीं, वो दोबारा मात खाए हैं शरद पवार से आज की तारीख में। अब जो परिणाम है और अब जो स्थिति है, शरद पवार ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया, जो मुझको अब लग रहा है मनीष, जो सामने परिणाम है कि वो अजीत पवार को उसी ने भेजा, अजीत पवार को उसी ने भेजा और सारा मलबा उठा के उसने यहाँ भेज दिया, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। एकनाथ शिंदे के बाद ठीक ठाक सरकार चल रही थी, वो जबरदस्ती आके फाट पड़ा यहाँ पे। और इस लोकसभा चुनाव में एक रत्ती भर भी उसने काम नहीं किया, क्योंकि शरद पवार की बड़ी शानदार जीत हुई है लोकसभा चुनाव के अंदर। 7 सीटें वो आदमी जीत के आया है, जो पिछली बार नहीं जीता था वो। और शिवसेना भी पूरी 9 सीटें जीती, जैसे जीतना चाहिए। और कांग्रेस भी शानदार प्रदर्शन है। तो वो एक तरह से जो बदनामी थी, जो दब्बा था, जो मैला था, समझ लीजिए, वो उसने उठा के कहा कि तुम पहले वहां जाओ, नाश पड़ो पहले लोकसभा में, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो हम लोग क्योंकि महाराष्ट्र में रहे नहीं, लेकिन जो लोग महाराष्ट्र में होंगे, देखो गुजराती वर्सेस मराठी, उसमें एक बैकग्राउंड तैयार की, और उसके बाद निश्चित तौर पर सवाल पूछ रही होगी जनता, या वो खुद उछाल रहे होंगे कि यही अजीत पवार, यही छगन भुजबल, यही प्रफुल्ल पटेल और यही नवाब मलिक जैसे लोग, ये जितने थे, अनिल देशमुख तो शायद अभी नहीं आया, वो उन्हीं के साथ है, शरद पवार साथ, जितने भी वहां पे दागी, भ्रष्टाचारी, घोषित तौर पर बदनाम लोग, अशोक चव्हाण, तो ये सब यहाँ पे उठा के जो इकट्ठा कर लिए गए, तो ये केवल लोकसभा चुनाव में जवाबी दे रहे होंगे। जनता ने सोचा होगा कि कोई फायदा नहीं, जो वॉशिंग मशीन वाली बात होती थी वो तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से इन पर लागू थी, और काम उन्होंने भाजपा के पक्ष में एक एक परसेंट नहीं किया। और मेरे ख्याल से आगे की रणनीति मनीष जी केवल इतनी है कि विधानसभा चुनाव तक इन्हीं पर लदे रहो, और उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा महाराष्ट्र का, तो जैसे उद्धव भागा था वैसे ही भागेगा अजीत पवार, तो वो बखलमंडल करके इनको नाश करके विधानसभा चुनाव में। शरद पवार जानता है कि यहाँ दिल्ली में कुछ होना हवाला नहीं है, प्रधानमंत्री में बन नहीं सकता, और महाराष्ट्र की सत्ता मेरे हाथ में रहे, तो अब की उसने पुख्ता इंतजाम करके दोबारा भतीजे को भेजा, जैसे उसने पहले भेजा था। अब की सब लोग दांव खा गए, प्रधानमंत्री मोदी दांव खा गए, हम सब लोग को लगा था कि नहीं पवार समाप्त, लेकिन पवार वो आदमी है कि उसने वो गेम खेला कि फिर भाजपा पूरी तरह चारों खाने चित्त है, अब उसके बहाने कुछ भी किए जाए। और लेकिन मेरे ख्याल से अब समझ में आई है प्रधानमंत्री मोदी के, उसका एक चीज आप समझिए कि एक सीट वो वहां महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार साझीदार है, और एक सीट जीता है शायद, एक सीट मिली है एनसीपी को, और उसका उसके नतीजे में एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, राज्य मंत्री का दिए स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा रहा था, जिसको लेने से मना कर दिया प्रफुल्ल पटेल ने, सबने देखा। लेकिन जब वो अकड़े बैठे तो उनको फिर कोई मंत्री पद नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो मेरे ख्याल से उनका हिसाब किताब करने के मूड में वो आ गए हैं। और अंतर आप समझिए कि एक आपके यहाँ बिहार से हैं मनीष जी, जीतन राम मांझी, वो भी एक ही सीट जीत के आए हैं और उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी को एमएसएमई का कैबिनेट मंत्री बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, महत्वपूर्ण तो मंत्रालय दे दिया। है
महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया, महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया और उनको नहीं दिया, उनको नहीं दिया अजीत पवार एंड कंपनी को। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये घटनाक्रम है, ये सुखद घटनाक्रम है कि संभवतः चोट खाने के बाद समझ में आया है कि बड़ी देर हो गई, लेकिन अब उसको कैसे करेंगे ये एक बड़ा गंभीर विषय है जिसका अभी कोई जवाब मुझको तो मनीष जी नहीं नजर आ रहा कि ये जो हो गया है पाप उसको ये कैसे धोएंगे, क्योंकि अब छह महीने बाद संभवतः समझिए चुनाव है अक्टूबर नवम्बर में, और ये अजीत पवार लदा हुआ है इनके ऊपर, पूरे पूरा कांग्रेस शासनकाल का जो 13-14 साल का था वो शरद पवार के शासनकाल का सारा मैला लेके वो आ गया यहाँ पर, जिनको जिनको जेल भेजा था, जिनको जिनको गाली बकते थे वो सब अब भाजपा ही खेमे में है। शरद पवार को पाक साफ क्लीन बैठा हुआ है, उसको रिजल्ट मिला लोकसभा में, और संभवतः यही कहानी वो तैयारी उसने कर ली है कि विधानसभा में वो दोहराएगा। तो अब तो भाजपा अपने प्राण बचाएगी, कैसे बचेगी, क्योंकि अब वो आज की तारीख में इसको स्वीकार लेने में कोई कठिनाई नहीं है या कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाँ दांव ये फिर खा गए शरद पवार से। शरद पवार ने एक बार फिर ये साबित किया कि हिंदुस्तान की राजनीति तो बड़ा सातिर खिलाड़ी है जिसमें वो अभी लोगों को और नचाएगा, और उसने नचाया, मतलब उसने अपने चेले चपाटों को जेल जाने से भी बचा लिया, बेटी को भी बचा लिया, खुद भी बच लिया, और बड़ी चालाकी से वो मंत्रिमंडल में अपने प्रफुल्ल पटेल, तो मतलब उसको भतीजा से भी ज्यादा प्रिय, बेटी के साथ सबसे ज्यादा भरोसेमंद तो प्रफुल्ल पटेल ही था शरद पवार का। मुझे भी संदेह प्रफुल्ल पटेल के इधर आने से ज्यादा हुआ था। तो आपको लग रहा है इसका मतलब स्ट्रेटजी के तहत झटका खाने के बाद इनको नींद से जगे और प्लान करा कि किसी भी ढंग से इसकी एंट्री मंत्रिमंडल में नहीं हो, ताकि मंत्रिपरिषद के बैच में प्रफुल्ल पटेल ना बैठ सके। मनीष जी अगर याद हो जब ये आया था अजीत पवार, तो मैंने उस समय कहा भी था, वो वीडियो को मैं ढूंढ के निकालने की कोशिश करूंगा अगर डेट मुझे याद रहेगी, कि अजीत पवार का आना कोई बहुत वो नहीं है, पहले भी आया था, ये इतना बड़ा नेता भी नहीं है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ये दो आदमी गरियाते हुए साथ में आए हैं, तो ये कोई बड़ा स्वाभाविक या बड़ा नेचुरल घटनाक्रम नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी हो सकती है। और अब वो समझ में आ रहा कि कहानी तो थी, ये आए शरद पवार की ही रणनीति पे थे और नाश इन्होंने पढ़ दिया। भाजपा का ही मुंह दिखाने लायक नहीं मनीष जी, किस मुंह से गए होंगे जनता के बीच में, उसका परिणाम सामने, और महाराष्ट्र छोड़ दीजिए दिल्ली बंबई के अंदर 6 में से 4 सीटें हारे हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक था कि भतीजे के भेज दो यहाँ पे, और सारा कूड़ा करकट जितना कचरा है जिसको लेकर ये हमको गाली देते हैं वो सब इन्हीं के पास भेज दो, और ये इन्होंने कौन सलाहकार था, कौन बड़ा मास्टरमाइंड था, कौन बड़ा चाणक्य था जिसने सारा कचरा उठा के धल लिया, और अब वो सामने है परिणाम। तो महाराष्ट्र को भी 6 महीने है चुनाव को, महाराष्ट्र बड़ी उलझी हुई गुत्थी हो गई है जिसको सुलझाना बड़ा आसान नहीं है, क्या करेंगे देखिए। बिल्कुल, मतलब ये ऊर्जा भी उस रूप में जिस तरह से योगी जग गए हैं, मुझको ये स्वीकार करने में कतई वो नहीं है कि शरद पवार ने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी को पटकनी दी है राजनीति के अखाड़े में, उसने बताया कि अभी तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुझसे लड़ने के लिए, ये शरद पवार ने दोबारा दिखा दिया। वो राहुल गांधी नहीं है कतई, वो किसी भी हद तक जा सकता है, और कौन सी दांव मारेगा वो इनकी समझ में अब आ रहा होगा। अब वो क्योंकि दिल्ली स्वीकारेगी तो है नहीं कि हाँ हम दांव खा गए या हम पटकनी खा गए, लेकिन वो दांव तो हो गया, वो दांव हो गया। शरद पवार ने 2019 में दांव दिया था और 2024 में और जबरदस्त पटका है, तो वो 2009 का वाली याद है कि देखिए सुबह सुबह मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में घुसा दिया, डिप्टी सीएम बनवा दिया भतीजे को, और उसके बाद भतीजा भाग करके फिर शरण में आ गया, भतीजा को कोई सजा नहीं दी, कोई दंड नहीं दिया, और उसके बाद वही भतीजा फिर वही खेल। तो मतलब समझा जाता कि चचा के अपने कहते ना चचा के द्वारा स्थापित चक्रव्यूह में जो तैयार चक्रव्यूह में एक शानदार खिलाड़ी के रूप में किस तरह से अजीत पवार आते हैं। तो अब धीरे धीरे एकदम से दिखने लगा है कि कभी भी शरद पवार की बेटी भी अपने बड़े भाई अजीत दा ही कहते रही और कभी भी हमलावर उस रूप में नहीं हुई, और बड़ी चालाकी से शरद पवार ने अपने अपने भतीजे को, बेटी को, अपने पूरे चेले चपाटों को, सबको इस पूरे खेल से बचा लिया, और चुनाव परिणाम ऐसा आया कि चारों खाने महाराष्ट्र में चित हो गए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य महत्वपूर्ण हैं,
वैसे हरियाणा में भी झटका लगा है, झटका तो कुछ हद तक पुराने रिजल्ट में बिहार में भी लगा है, लेकिन बिहार में इससे बेहतर की उम्मीद थी भी नहीं, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा जो झटका लगा है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगा है। उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव दूर है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, मतलब इसी साल के आखिर में होना है। ऐसे कंडीशन में महाराष्ट्र में यदि नहीं चेते तो चीजें बहुत भयावह, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लाइन डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो हम लोग अब सर जाते जाते इस बात को अपने बहुत महत्वपूर्ण बात रख दी है कि मुझे लग रहा है कि हिस्सा तो अलग से काटने के साझा करने की जरूरत है कि हाँ। शरद पवार ने इन सबको जबरदस्त झटका दिया और शरद पवार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलंदर साबित हो गए। महाराष्ट्र का झटका उत्तर प्रदेश से कतई कमजोर झटका नहीं था, मध्य महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा एक तरह से सांसद देने वाला राज्य है, कभी बिहार उसके बाद था लेकिन अब तो महाराष्ट्र ही है। मनीष जी, तो परसेंटेज दिखा दिया तो महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ा झटका है, महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ा झटका है, मतलब तो आपको 400 तो छोड़िए, 272 तक पहुंचने में रोकने में महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसका मतलब है कि चाणक्य जिसको कहा जाता है शरद पवार को, उसने वो भूमिका वहां निभा दी है, निभा दी। उसने माने माने जी बिल्कुल ये स्वीकार लेने में कोई वो नहीं होना चाहिए परहेज कि शरद पवार ने ये बता दिया कि तुम सब लोग अभी लौंडे हो मेरे आगे राजनीति के अखाड़े में, ये शरद पवार ने दिखा दिया। ये जितना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये तो शरद पवार के ही बुद्धि पे नाच रहे हैं, गेम पूरा उसी का था और वो पूरी 100% सफल हुआ, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी इसको कभी कहेंगे तो नहीं लेकिन मन में वो स्वीकारते होंगे, और जो उनको बहुत करीब से जिन्होंने उनके राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया होगा वो भी इस बात को मानेंगे कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अगर जबरदस्त मात किसी से वो खाए हैं तो केवल शरद पवार से खाए, और एक नहीं दो बार खाएं, एक बार 2019 में और दोबारा 2024 में, उसने फिर दिखाया कि अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है जब मुझसे लड़ने की बात आएगी। बिल्कुल, और इसीलिए सीखने की जरूरत भी है और सीखना चाहिए भी, राजनीति में तो कहते हैं ना कि विरोधियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यदि शरद पवार का ये दांव लगातार, देखिए एक बार आप झटका देते अलग बात है, लेकिन अपने घर के लोगों से के माध्यम से, और कतई कभी भी ऐसा खटास दिखा नहीं अजीत पवार और शरद पवार के बीच पब्लिकली कभी भी। देखिए सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच भी खटास आपको आमतौर पर जो होता है ना गुत्थम गुत्था, वो कहीं दिखा नहीं। इसका मतलब ये एक साफ है कि स्ट्रेटजी थी, और इस स्ट्रेटजी में जो भी रणनीतिकार हैं वो अंदर ही अंदर ये समझ में आ रहा होगा कि किसने ये रणनीति बनाई, किसने ये फैसला लिया, कहां ये किस कहां तक ये कैसे ये अंजाम तक पहुंचा। अब अपने आप पे, चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और चुनाव होना है, अभी हम यूपी पे तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे चर्चा, लेकिन एक चीज चूंकि बकरा ईद आ रहा है सर, देखिए महाराष्ट्र में उसी मुंबई के पास ही एक बकरे पे राम लिखा हुआ, उसकी कुर्बानी और उसकी कीमत सिर्फ इसलिए कि उस पे राम लिख दिया, लिखा हुआ ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ था, पीले रंग से लिख दिया। महाराष्ट्र में आज भी ये कर पा रहे जबकि सरकार तो आप ही की है, लेकिन यही काम उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं है किसी की करने की। योगी ने कह दिया कोई सड़क पे नवाज नहीं होगा, कहीं पब्लिक प्लेस पे कोई बकरा हलाल ही नहीं करेगा, किसी सोसाइटी में लंच नहीं होगा, यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन महाराष्ट्र में सब चल रहा है। नहीं नहीं मनीष जी, आपने अच्छी याद दिला दी यूपी में, चलिए अभी कल का रिजल्ट है तब बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक बात और मनीष जी, एक बात और है जो बहुत बुरी तरह से इनको बहुत भारी पड़ी है कि 2019 में तो भाग गया उद्धव ठाकरे, तो आप बनी हो गए कि वो वहां जाकर उन्होंने दगा दे दिया, विश्वासघात किया भी था, उसने सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद 2020 में जब कत्ल होता है सुशांत सिंह राजपूत का, तो उसका वो तो हुआ, चलिए वो सरकार को पर्दा डाल ले, आज तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम, ना उस पर सीबीआई क्या कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली में बैठे लोगों को लगता होगा कि हमने सब शांत हो गया और अब कहीं कुछ होगा नहीं, कि जनता भूल गई, जनता भूली नहीं है। आज भी मनीष जी कभी कभी लहर चलती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा घटनाक्रम था और उस पर बिल्कुल आंख मूंद ली। उसके बाद मनीष जी वो जो पालघर में साधु मारे गए थे, उनके हत्यारों को क्या हुआ, उनपे क्या कार्रवाई हुई, देश में किसी को नहीं मालूम, खासकर महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं मालूम किसी को ये क्या कर रही है सरकार। अब तो सरकार आई, इनके साल डेढ़ साल हो गए, दोबारा कभी आए, और वो पालघर का साधु हत्याकांड उस पर कुछ नहीं, सुशांत सिंह राजपूत पे कुछ नहीं,
और एक एक घटनाक्रम बनी से दबा दिया गया कि वो परमवीर सिंह, उसके ऊपर से सारे आरोप सारे सब कुछ हटा लिया गया। वो कहां वो आरोप लगे उससे वो डरकर फरार हुआ, गायब हो गया था 2-3 महीने, गायब रहा, फरार रहा, और जब वो लौट के आया तो उसको पूरे सारे जो उसके ऊपर आरोप लगे थे वो इस सरकार ने, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने, इसने सारे आरोप उसके ऊपर से हटा लिए और वो उसके बाद से लापता है। मतलब उसको अब वो कहीं कोई आरोपी वो नहीं है। इतनी मेहरबानी क्यों थी उसको, जरा परमवीर को चक्कर लगाने देते कोर्ट के, कोर्ट को बरी करता, कुछ भी करता, तुमने क्यों उसके ऊपर से सारे आरोप हटा लिए? तो ये महाराष्ट्र की जनता तो बहुत करीब से देख रही है, बहुत करीब से देख रही है, उत्तर प्रदेश देख रही है, मिलजुल करके तुम लोग जो है मलाई चाट रहे हो। हाँ, वो चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हत्याकांड हो, चाहे वो पालघर साधुओं का हत्याकांड हो, और चाहे परमवीर पे मेहरबान हो, तो ये कहीं और नहीं, बंबई की जनता तो बहुत करीब से देख रही थी। तो 6 में से 4 सीटें हारे हो बंबई की, कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता ने वहां पे क्या जाना समझा, वहां की पब्लिक को गाली मत दीजिए, उसने भी उसने जो देखा इनका असली चेहरा तो सामने आ गया मनीष जी। और इसके अलावा मनीष, इसके अलावा क्या कार्रवाई हुई, वो अनिल देशमुख तो 9 महीने जब जेल गया था तब इनकी सरकार नहीं थी, उसके बाद अनिल देशमुख मौज ले रहा है, वो दुनिया भर की बयानबाजी वो कर रहा है, आज उसने कुछ उल्टा सीधा बयान दिया है। और सबसे खास बात मनीष, जो ये समझते हैं लोगों को जाता नहीं है, जैसे अभी आपने कहा कि इस तरह से होगा तो हमारा समर्थक बड़ा एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो जरा दूसरे टाइप का समर्थक है, वो कांग्रेसी चमचों की तरह नहीं है। कि मनीष जी, शाहरुख खान का लौंडा जो नशेबाजी में पकड़ा गया था गांजे की पुड़िया के साथ, बकायदे उसको 1.5-2 महीने उसकी जमानत नहीं हुई, हरीश सालवे जैसा वकील जो खड़ा हुआ तब 2-3 पेशी में जब बहस हुई तब उसको जमानत मिली, और वो एकदम से फिर खबर आई कि वो बरी हो गया, उसके उसके खिलाफ सारे आरोप हो गए। और जिस उसने समीर वानखेड़े जिस अधिकारी ने पकड़ा था उसके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगा कि वो बेचारा वो हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहा है, वो हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहा है, और जिस अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने शाहरुख खान की मदद करी, उसका सुपीरियर, वो मौज ले रहा है। तो वो समीर वानखेड़े को, क्योंकि शाहरुख खान के लड़के को पकड़ना इतना महंगा पड़ गया, अब वो चक्कर लगा रहा है कोर्ट कचहरी के कि वो जेल ना चला जाए। तो और वो एक तरह से घूम रही है बॉलीवुड में या सोशल मीडिया में कि शाहरुख खान से टकराना बड़ा महंगा पड़ा समीर वानखेड़े को, तो शाहरुख खान को समीर वानखेड़े को क्या महंगा पड़ा, उसकी नौकरी चली जाएगी, वो जेल चला जाएगा, बहुत ज्यादा कर दोगे, जो अभी तक तो कर नहीं पाए क्योंकि उसके बाद उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत तो नहीं है। लेकिन वो पब्लिक देख रही है महाराष्ट्र की, तो खूब अच्छे से देख रही है, उसका तो मुद्दा है। तो ये सब कर्म करके हुए कि चलनी में दूध दुहो और उसके बाद शिकायत करो कि साहब दूध इकट्ठा नहीं हो रहा, तो नहीं होगा दूध। अभी अभी विधानसभा का चुनाव आ जाए और ज्यादा आईना दिखाएगी जनता वहां की, क्योंकि ये जितने कर्म मैं गिना रहा हूँ इनका कोई जवाब हो तो बताए। कि परमवीर पे नवाब मलिक, आप एक और नाम बोल रहे हैं नवाब मलिक, जिसके ऊपर इस तरह सोचिए क्या क्या लगा, कितने UAPA लगा हुआ है, कितने गंभीर मामले हैं, वो भी छुट्टा घूम रहा है बीमारी के नाम पे। तो नहीं मनीष जी, परमवीर के ऊपर से आरोप सारे आरोप वापस क्यों ले लिए सरकार ने? ऐसा उसने कौन सा बड़ा महान काम कर दिया था? भारत तो उसको भारत रत्न दो बुला के 26 जनवरी को, वो बरी हो गया, उसके ऊपर जितने पाप थे जितने आरोप थे सब बरी है, सबसे वो बरी है। उसके बरी होने का मतलब आप समझ रहे कि नीचे सब लोग बरी हो जाएंगे, जो और लोग अभी जेल काट रखे आए हैं जमानत में हैं वो सब बरी हो जाएंगे। समीर वानखेड़े जेल जाने की तैयारी करें क्योंकि उसने शाहरुख खान के लौंडे को पकड़ा था। और शाहरुख, ये गौर करिए कि उस समय वाली जो बड़े लंबा मैंने उसको लिख रहा था उस समय कि शाहरुख खान की कभी औकात नहीं हुई कि उसके ऊपर आरोप लगा दे। और दर्शकों को याद होगा 1.5 महीने शाहरुख खान के लड़का उसके लिए कौन सा ऐसा वकील ने, मेरे ख्याल से पहले तो उन्होंने सतीश मान सिंधे को खड़ा किया था, तो बड़ा मतलब बंबई ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकीलों में से एक, और वो जमानत नहीं करा पाए, तो मेरे ख्याल से बाद में हरीश सालवे गए थे हाईकोर्ट में, तो ये स्थिति। उसके बाद 1.5 महीने बाद उसको जमानत हुई और वो आज वो बिल्कुल निर्दोष है और सारा दोष आ गया समीर वानखेड़े पे। और ये सरकार मतलब, तो ये जो ऊपर बैठ के बुना जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा ना कि ये अंतर भाजपा को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो। और खैर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो क्या कहना, वो बेचारा कुछ करने धरने कोई मतलब ही नहीं, कि आपका जो समर्थक है वो इतना ये भले कहें अंधभक्त, वो अंधभक्त इस तरह का नहीं है, तो वो इन सब चीजों को भी निगल देगा, सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड को भूल जाएगा, CBI सो रही कंबल ओढ़ के, अभी 2020 हो अभी तो पता ही नहीं कर पाएगी क्या हुआ कितना हुआ, ना जनता कुछ मालूम है,
ना परमवीर को मेहरबानी, शाहरुख खान पे मेहरबानी। तो ये सब देखने के बाद मनीष जी वही हमने कहा ना कि दोबारा कहूंगा कि चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दो तो ऐसा नहीं होगा। अभी छह महीने बाद देखिए क्या करते हैं। छह महीने से पहले अगर सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का कोई नतीजा निकला है, परमवीर पर दोबारा केस चले और सबीर वानखेड़े का फैसला हो, तब आप कुछ करते हुए दिखें, आप कुछ करते हुए दिखें तो पब्लिक को लगे, पालघर हत्याकांड जो साधुओं का वो उस पर क्या एक्शन किया, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, खाली सत्ता भागा। ये सत्ता भागे तो चोर तुम भी आ जाओ, चोर तुम भी आ जाओ, वो बुला लिया पूरा एनसीबी का पूरा मलबा लाके अपने गोदी में लिए बैठे हो और उसके बाद कह रहे हो कि हमको समर्थन नहीं मिला। मैंने कहा कि जरा अगर तुलनात्मक देख लिया कि जितनी सीटों में वहां जीती है भाजपा, उससे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से नाक काट ली है शरद पवार ने, तो उसके बाद हम लोग जबरदस्ती तानने लगे, पतंग उड़ाने लगे कि नहीं नहीं विधानसभा में कमाल कर देगी। तो आज कह रहा हूँ कि विधानसभा में कोई कमाल नहीं होगा और शरद पवार ने जो दांव खेला है, अभी छह महीना तो इनको संभलने में लगेगा, जो उसने उठा के पटका है बहुत बुरी तरीके से। और मैं कायल हो गया शरद पवार का, मनीष जी मैं अक्सर कहता भी रहा हूँ कि शरद पवार भारतीय राजनीति के अखाड़े का सबसे शातिर पहलवान, आज 80-82 बरस की उम्र में भी उस आदमी ने दिखा दिया। इसीलिए हम लोग बात नहीं कर रहा था, मैं बात नहीं कर रहा था, किसी दिन हम लोग जो अलग से बात करेंगे चुनाव परिणाम के, मैं इसके समझिए हम लोग 10-12 दिन बाद बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो समीक्षा है वो ये है। और बाकी घुमाने को फलाना आरएसएस नाराज हो गया था, दिमाका नाराज हो गया था और प्रत्याशी सही नहीं था, उज्ज्वल निगम ऐसा प्रत्याशी हार गया वो भी बंबई में, बंबई की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। लेकिन वहां पर जो कर्म हुए इस सरकार में जो इस समय शासन में है, तो उसका यही परिणाम होना था, बिल्कुल इसका यही परिणाम होना था। और इसीलिए अभी भी यदि नहीं चेते, यदि कुछ एक्शन नहीं लिया, जहां इशारा सतीश जी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीरता से इसको सुना जाए, चाहिए पालघर का मामला हो, समीर वानखेड़े का मामला हो, या फिर शाहरुख खान के बेटे का मामला हो, और सबसे हम सुशांत सिंह राजपूत जिसने पूरे देश को हिला दिया था, तो वो आज भी संवेदना है कि आपकी सरकार आने के बाद, आप उस समय तो गाली दे लिए लेकिन सरकार आने के बाद आपने क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं मनीष जी, याद करिए जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो उस समय पूरा देश यही कह रहा था कि ये उद्धव सरकार, ये कांग्रेसी सरकार इसको छुपा रही है और अपराधी कौन है, दुनिया भर की चर्चा हो रही थी, तो सबको उम्मीद थी कि तुम आओगे तो कुछ उस पर आगे बात बढ़ेगी ना। सीबीआई कम्बल ओढ़ के सो रही, ये सरकार तो बिल्कुल मेरे ख्याल से भूल ही गई कि कुछ सुशांत सिंह राजपूत था भी, लेकिन देश नहीं भूला है, देश नहीं भूला है, बंबई नहीं भूली और महाराष्ट्र नहीं भूला है। अगर अब भी भूलने की नौटंकी करोगे तो बहुत बुरा परिणाम आपको भोगने के लिए तैयार हो जाओ विधानसभा चुनाव में, और ये वीडियो मेरा संभाल के रखिएगा।